ಮೂ ಆದರ್ಸ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆದರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಹಲೋ ಕಿಡ್ಸ್, ಹವ್ ಆರ್ ಯು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಆಜ್ ಕಾ ಹಮಾರಾ ಟಾಪಿಕ್ ಹೇ ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ವೋವೆಲ್ಸ್. ದೇಖೋ ಬಚ್ಚೋ, ಯೇ ಕೌನ್ಸಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೇ ವೋವೆಲ್ಸ್ ಕಾ. ವೋವೆಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವರ್. ಎ, ಇ, ಐ, ಒ, ಯು. इंग्लिश. आज का हमारा टॉपिक है रीड द वोवेल्स एंड राइट देम. इस सेंटेंस का मतलब है हमें वोवेल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू, उसे वोवेल्स कहते हैं, तो हमें इसको राइट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट लेटर आता है ए, तो चलिए हम ए राइट करते हैं. ए जो है वो हमें ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वोवेल्स ए, ए के बाद ई, चलिए राइट करते हैं ई. वो भी हमें ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक राइट करना है. ई के बाद कौन सा लेटर आता है? आई. तो आई जो है वो हमें ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक राइट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वेल्स आई और उसके ऊपर डॉट, स्टैंडिंग लाइन और ऊपर डॉट. आई के बाद कौन सा लेटर आता है? ओ. तो ओ जो है वो भी हमें मिडल लाइन है ना, ब्लू लाइन, वहीं से राइट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कंप्लीट पूरा सर्कल ये हो गया ओ. ओ के बाद लेटर आता है यू. तो चलिए हम यू राइट करते हैं. यू जो है वो भी हमें ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक राइट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यू इसे करते हैं ए, ई, आई, ओ, यू. यहाँ पर भी हमें फिर से राइट करना है. लेटर ए, ए के बाद कौन सा आता है? लेटर ई. तो वो भी हमें ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक राइट करना है. ये हो गया ई. इसके बाद कौन सा लेटर आता है? आई. तो वो भी हमें ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर डॉट. आई के बाद कौन सा लेटर आता है? ओ. तो चलिए हम ओ राइट करते हैं. ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक ओ. ओके बाद कौन सा लेटर आता है? यू. तो चलिए हम यू राइट करते हैं. हो गया यू. इसे यहाँ पर हमें बॉक्स दिए गए हैं, तो हमें बॉक्स में भी राइट करना है. तो फर्स्ट लेटर कौन सा है? ए. तो चलिए हम राइट करते हैं ब्लू लाइन से ब्लू लाइन तक ए.
हो गया ए। इसके बाद कौन सा लेटर आता है? ई। वो भी हमें ब्लू लाइन तक राइट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने ई को राइट किया, इसके बाद कौन सा लेटर आता है? आई। चलिए हम आई राइट करते हैं स्टैंडिंग लाइन और ऊपर डॉट। इसके बाद कौन सा लेटर आता है? ओ। तो ओ जो है वो भी हमें ब्लू लाइन तक राइट करना है। तो चलिए हम ब्लू लाइन तक ओ राइट करते हैं। हो गया ओ। उसके बाद कौन सा लेटर आता है? यू। तो चलिए हम यू राइट करते हैं। यूएस ए ई आई ओ यू। चलिए फिर से राइट करते हैं। फर्स्ट लेटर है ए, वो भी हमें ब्लू लाइन तक राइट करना है। ये हो गया ए। इसके बाद कौन सा लेटर आता है? ई। वो भी ब्लू लाइन तक। ऐसे हमें ई राइट करना है। इसके बाद कौन सा लेटर आता है? आई। तो आई जो है वो भी हमें ब्लू लाइन तक राइट करना है। स्टैंडिंग लाइन और ऊपर डॉट। ये हो गया आई। आई के बाद कौन सा लेटर आता है? ओ। चलिए हम ओ राइट करते हैं ब्लू लाइन तक। हो गया ओ। ओ के बाद कौन सा लेटर आता है? यू। चलिए हम यू राइट करते हैं। तो आज हमने टॉपिक रीड द वोवेल्स एंड राइट देम, आज हमने वोवेल्स सीखे। स्टैंडर्ड एलकेजी सब्जेक्ट इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है राइट लेटर्स ए टू जेड। सर्कल द वोवेल्स। तो चलिए हम पहले ए टू जेड राइट करते हैं। चलिए फर्स्ट लेटर आता है ए। इसके बाद कौन सा लेटर आता है? बी। तो चलिए हम यहाँ पर बी राइट करते हैं। बी के बाद कौन सा लेटर आता है? सी। चलिए हम सी राइट करते हैं। सी के बाद कौन सा लेटर आता है? डी। तो ये हो गया डी। डी के बाद कौन सा लेटर आता है? ई। तो चलिए हम ई राइट करते हैं। ई के बाद कौन सा लेटर आता है? एफ। तो हम एफ राइट करते हैं। एफ के बाद कौन सा लेटर आता है? जी। तो चलिए हम जी राइट करते हैं। ये हो गया जी। जी के बाद कौन सा लेटर आता है? एच। तो हमने यहाँ पर एच राइट किया। एच के बाद कौन सा लेटर आता है? आई। चलिए हमने आई राइट किया। इसके बाद जे। ये हो गया जे। जे के बाद कौन सा लेटर आता है? के। चलिए हम के राइट करते हैं। हो गया के। के के बाद कौन सा लेटर आता है? एल। वेरी गुड। चलिए हम एल राइट करते हैं। एल के बाद कौन सा लेटर आता है? एम। तो हमने यहाँ पर एम
के बाद कौन सा लेटर आता है? पी। तो चलिए हम पी राइट करते हैं। पी के बाद कौन सा लेटर आता है? यू। तो चलिए हम यू राइट करते हैं। ये हो गया यू। यू के बाद कौन सा लेटर आता है? आर। तो चलिए हम आर राइट करते हैं। आर के बाद कौन सा लेटर आता है? Thank you for joining us.